ये वीडियो देखने के बाद आपका रवा डोसा बिल्कुल ऐसे बनेगा, सुपर क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसा। और जब आप ये खाओगे तो सच बोल रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। और हाँ, मैंने इसमें आपको नारियल की चटनी बनाना ही बताया, जो सच में आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये सुनो आप क्रिस्पी साउंड। इसको बनाना तो बिल्कुल बंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों का रवा डोसा एकदम सही नहीं बनता, मतलब जब उसको फोल्ड करते हैं या उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन अब इन टिप्स से एक बारी रवा डोसा ट्राई करके देखना, आप देखना रिजल्ट में बहुत फर्क आएगा। और जब आप इसे नाश्ते में बनाओगे तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर करनी है वो है कि रवा डोसा का बैटर बनाना है। तो रवा डोसा का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है सूजी, सूजी के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मैदा, चावल का आटा, मैदे के साथ साथ आपने यहाँ पर थोड़ी सी दही डालनी है, नमक डालना है और पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले आप कम पानी डालना, यानी कि 1.5 कप्स पानी यहाँ पर अभी काफ़ी होगा शुरुआत में। और पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं ताकि लम्स बिल्कुल भी ना आए। अब धीरे धीरे करके इसको आराम आराम से मिलाना शुरू करना। अब देखो, आपको ऐसा बैटर मिल जाएगा इनिशियली जब आप पानी के साथ मिलाओगे। अभी काफ़ी थिक है, डोंट वरी, अभी हम इसमें और पानी डालेंगे। तो अब यहाँ पर एक कप और पानी डालना और उसको अच्छे से मिलाना। अब जी हाँ, इतना पानी काफ़ी नहीं होगा चावल के आटे और सूजी को फुलाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप पानी और डाला है। घबराना मत, अभी और भी पानी आएगा इस रवा डोसा में। खैर, अभी बाकी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि मैंने कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, अदरक डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, साथ साथ आप कटा हुआ धनिया डालना है, प्याज डालना है, और हाँ मैंने काली मिर्च भी डाली है मैंने यहाँ पर, बाद में जीरा भी डाला था लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गया। ओहो, खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरा भी डाला है और मेरी भूलने की आदत है, आप अपने अंदर मत डालना। बस यहाँ पर और पानी डाल देना, दो कप पानी और, तो इन टोटल 4.5 कप्स ऑफ वाटर हो गया इतने रवा डोसा के बैटर में। तो अब इसको अब रेस्ट करने के लिए छोड़ देना और मिनिमम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट जरूर देना। तो मैंने यहाँ पर पैन को रखा है मीडियम लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे काम, मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे वैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के देख लेना कि पैन सही से गर्म हुआ है कि नहीं। जो पानी है ऐसे सिजल करना चाहिए, नाचना चाहिए, तभी हमारा जो रवा डोसा है वो सही से बनेगा। क्योंकि ध्यान रहे इसमें पानी ज़्यादा है ना रवा डोसा में। तो सीधा ही आप यहाँ पर रवा डोसा का बैटर डाल देना सीधा ही पैन के ऊपर और बैटर अच्छे से डालने के बाद आप यहाँ पर तेल डाल देना। आप देख सकते हो कि वो नेट वाला डिज़ाइन आना शुरू हो चुका है। तेल डालने के बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने इस रवा डोसा को सुखाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि यार रवा डोसा सही नहीं बनता, जब भी हम उसको पलटने जाते हैं वो बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि वो बहुत नरम रहता है। ऐसा मैंने बहुत देखा भी है, सुना भी है। देखो, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। एक ये है कि हम घरों में नॉनस्टिक पैन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हम वेट नहीं करते कि डोसा जो है वो सेट हो जाए, वो सूख जाए, और उसके जो स्टार्चेज हैं, जो सूजी है, मैदा है, चावल का आटा है, वो एकदम सेट हो जाए। हम वेट नहीं करते, हम जल्दी में रहते हैं। तो अब इसको हाई फ्लेम में मत पकाना, इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना, आराम से इसको पकने देना और तभी सही बनेगा। अगर आप वेट नहीं करोगे, जल्दबाजी करोगे तो 100% टूटेगा। और हाँ, तेल का इस्तेमाल हल्का सा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा। देखो, आपने बीचों बीच यहाँ पर ध्यान देना, बीचों बीच जैसे ही इसका कलर डार्क होता जा रहा है ना, मैं वेट कर रहा हूँ कि और डार्क हो, अच्छे से सूखना चाहिए जो पानी था ना जितना भी बैटर में, वो अच्छे से सूखना चाहिए, तभी इसके जो स्टार्च है वो जेल बनेगा और डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा, है ना। बढ़िया, देखो मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने फैलाना है पैन के ऊपर डायरेक्टली, कच्ची से आप थोड़ा बहुत डाल देना। और घबराना मत, ये मोटा मोटा नहीं है, ये मोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही इससे पानी उड़ता जाएगा स्टीम से, वैसे ये पतला होता जाएगा। बिल्कुल सही। अब ये देखो, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा, 3-4 मिनट आराम से लगते हैं इसको ड्राई आउट होने में। लेकिन थोड़ी ही देर में आप ये देखो, मैं अभी भी इसको नहीं पलट रहा, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि वो कलर जो है वो अच्छे से दिखने लग जाए।
और ये देखो फाइनली इस स्टेज पे आकर आप देख सकते हो कि जो मोटापन था वो कहाँ गायब ही हो गया और ये तो पतला हो गया। वाओ रिडक्शन, मतलब हमें तो पतला होने के लिए सेटिफ लेने चाहिए। खैर अब आप देखो, अब ये आराम से बिल्कुल डोसे की तरह निकलेगा, ये करछी जब आप डालोगे तो आराम से ये रोल हो पाएगा। एंड दैट्स द राइट वे टू डू इट, है ना, बढ़िया। तो आप ऐसे ही करना, ऐसे ही फैलाना और ऐसे ही उसको वेट करना कि ये सूख जाए अच्छे से। जब ये सूखेगा तो अपने आप ही बिल्कुल डोसे की तरह निकल कर आएगा। अच्छा, अब डोसा तो बन गया है, फटाफट से नारियल की चटनी बना लेते हैं। बहुत आसान है नारियल की चटनी बनाना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल लिया है, इसके साथ साथ यहाँ पर भुने हुए चने हैं ये। जी हाँ, भुने हुए चने हैं, मार्केट में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है। अब पहले आप इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लेना, बिना पानी डाले बिल्कुल ऐसे ही ग्राइंड कर लेना। आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी डाला है। अब नारियल की चटनी के लिए यहाँ पर आपने तड़का बनाना है और तड़के में मैंने यहाँ पर तेल डाला है। तेल के साथ साथ आपने डालना है सरसों, राई के दाने भी कहते हैं इसको, साथ साथ चने की दाल डाली है मैंने, कड़ी पत्ता डाला है और एक सूखी लाल मिर्च। बस इसको अच्छे से आपने थोड़ा सा पकाना है, तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नारियल की चटनी में तेल कम ही होता है। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए डायरेक्टली आपने पोर करना है नारियल की चटनी में। और बस अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लो नारियल के साथ। ये एक तरीका है बनाने का, कई लोग चने की दाल नहीं डालते। कॉस्टिंग में बहुत हेल्प करती है चने की दाल, यानी कि गाढ़ा करने में बहुत काम आती है। कई लोग डालते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं डालते, लेकिन ये एक तरीका है जो रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं। अब बस आपके डोसे पूरे सेट हैं और चटनी भी पूरी सेट है। सुबह सुबह अगर ऐसा मिल जाए और रेड वाली चटनी भी हो और नारियल की चटनी भी हो तो सच में मजा ही आता है।